नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को देसी गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। देसी गर्ल गाने में प्रियंका चोपड़ा का डांस स्टाइल खूब पॉपुलर हुआ था और इसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को देसी गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि प्रियंका सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं, प्रियंका हॉलीवुड में भी खूब काम कर चुकी हैं और इसलिए उन्हें इंटरनेशनल स्टार भी कहा जाता है। आपको बता दें कि प्रियंका ऐसी पहली एक्ट्रेस नहीं है जो हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर रही है। इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है। वहीं प्रियंका चोपड़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर ही खबरों में बनी रहती हैं। अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को लेकर एक बुरी खबर आई है जिसके बाद फैंस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस एक शूट के सेट पर बुरी तरह से घायल हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि ये भी खबर सामने आई है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। ऐसे में निक जोनस ने अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अपनी लाइफ को लेकर कुछ खुलासे किए हैं इस इंटरव्यू के दौरान। तो क्या कुछ कहा है निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनस को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निक जोनस अमेरिका में अपने टीवी सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की शूटिंग कर रहे थे, इसी दौरान वो घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि उन्हें कैसे और कितनी गंभीर चोट लगी है इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रात हॉस्पिटल में रहने के बाद निक जोनस को रविवार की छुट्टी हो गई है और वो घर भी आ गए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। बता दें कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा इन दिनों एक दूसरे से अलग हैं। निक जहां अमेरिका में अपने शो की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस से 8700 किलोमीटर दूर फिलहाल लंदन में है। हालांकि कोरोना संकट में दोनों ही भारत की मदद कर रही हैं। पिछले दिनों कपल ने 3 सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए करीब $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। प्रियंका और निक की शादी की बात करें तो दोनों की शादी को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में एक्ट्रेस ने कुछ दिनों पहले एक इवेंट में बताया था कि कब और कैसे उन्हें निक जोनस से प्यार हो गया, वो कौन सी आदत रही जिससे देखकर प्रियंका को लगा कि निक उनके परफेक्ट पार्टनर है। प्रियंका मानती हैं कि निक जोनस काफ़ी मेहनती कलाकार हैं जो हर किसी को अपना मुरीद कर सकते हैं। एक्ट्रेस की माने तो कोई भी उन पर आसानी से विश्वास कर सकता है। खुद प्रियंका भी उसी एनर्जी की वजह से खिंची चली गई थी। प्रियंका ने यह भी बताया कि उन्हें पहली बार निक के लिए फीलिंग तब महसूस हुई जब निक जोनस गॉस्पेल गायकों के लिए एक इवेंट कर रहे थे। उसी इवेंट पर प्रियंका को पहली बार निक से प्यार हुआ था। वहीं निक जोनस मानते हैं कि उनकी प्रियंका संग ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। 1 साल मिलने के बाद ब्रेक आ गया, फिर दोबारा मिले और फिर ब्रेक, लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। निक जोनस की माने तो जब वो प्रियंका संग डॉजर्स गेम गए थे और यही वो समय था जब उन्हें प्रियंका के लिए प्यार का एहसास हुआ। उस मुलाकात के 48 घंटे बाद ही दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा था। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं। प्रियंका ने किताब में अपने उस बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया है जब वो 10th क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी किताब में इस बॉयफ्रेंड का नाम बॉब बताया है। प्रियंका ने बुक में वो किस्सा भी शेयर किया है जब वो अमेरिका में अपने रिलेटिव के यहाँ रहती थी और स्कूल जाती थी, तब उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था। प्रियंका ने किताब में बताया कि कैसे एक दिन वो बॉब के साथ मुसीबत में फंस गई थी। प्रियंका ने लिखा है, जब मैं 10वीं क्लास में थी तो मैं अपनी मौसी किरण के साथ इंडियानापोलिस में रहती थी। वहाँ स्कूल में मेरी मुलाकात बॉब से ही, जिसने अपनी रोमांटिक अदाओं और मजाक के अंदाज से मुझे अपना दीवाना बना लिया था। प्रियंका चोपड़ा के मुताबिक बॉब बहुत ही रोमांटिक लड़का था। उसने मुझे चेन तोहफे में दी थी, मैं उसे शादी तक करने को तैयार थी। एक दिन मैं और बॉब मेरे कमरे में थे, हम दोनों काउच पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी किरण मौसी घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। प्रियंका ने आगे कहा, ये देख मैं घबरा गई थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और वो उनके लौटने का वक्त नहीं था। उस समय ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे बॉब को बाहर निकाल सकूं। इसके बाद मैंने बॉब को अपनी अलमारी में छुपा दिया। मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ तब तक रहना जब तक कि मैं अपनी मौसी को सामान लाने दुकान तक नहीं भेज देती। प्रियंका आगे लिखती है, किरण मौसी घर के अंदर आई और कमरे को चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। मैं अपने बेड पर अपनी बायोलॉजी की किताब लिए पढ़ने का नाटक कर रही थी। वो मेरे दरवाजे तक आई और बोली, इसे खोलो। तब मैंने कहा, क्या खोलूं, अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोलूं।
प्रियंका के मुताबिक मैं बुरी तरह डर गई क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मौसी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला और उससे एक लड़का निकल कर बाहर आया। इसके बाद मौसी ने मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती कि उसने मेरे सामने झूठ बोला। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए थे। पॉपुलर अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस ने बीते कुछ सालों में सिंगिंग करियर में अपनी अच्छी खासी पहचान कायम कर ली है। उन्होंने हर जोनर के गानों को आवाज़ दी है, इमोशनल, रोमांटिक हो या फिर सेंसुएस गाने। निक ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे में बॉम बीडी बॉम से लेकर स्पेस मैन फिल्म के गानों तक अपनी आवाज़ से गाने में इमोशन भरे हैं। जब उनके खुद के प्लेलिस्ट की बात आती है तो निक ने इसके बारे में दिलचस्प बात बताई है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में निक से कहा गया कि उनके गाने कपल्स अपने रोमांटिक और इंटीमेट्स मोमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए निक ने इसे चापलूसी बताया और अपने गानों की प्लेलिस्ट का खुलासा किया। निक ने कहा कि आपकी पर्सनल स्पेस में हमेशा एक अच्छा प्लेलिस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास एक अच्छा प्लेलिस्ट है और इसमें अपने गानों को वो जगह नहीं देंगे। निक ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरे गाने और मेरे प्लेलिस्ट के गाने थोड़े अलग हैं, लेकिन कई अगर मेरे म्यूज़िक को अपने एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करता है तो मेरे लिए खुशी की बात है। निक जोनस को फैंस एक अलग ही नाम से बुलाते हैं। इस पर निक ने कहा कि ये किसी को शायद अच्छा लगता हो पर मेरे लिए ये चापलूसी है, जबकि आकर्षण बहुत ही बारीक चीज़ है। मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मैं बस हंसता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे पेरेंट्स कमेंट्स पढ़कर क्या सोच रहे होंगे। ये मेरे लिए उपलब्धि की बात नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बारे में ना सोचूं क्योंकि ये मुझे शर्मिंदा करवाएगा। हाल ही में निक जोनस पत्नी प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ ऑस्कर नॉमिनेशन में नजर आए थे। दोनों ने इस वर्चुअल ऑस्कर नॉमिनेशन सेरेमनी को बखूबी हैंडल किया। निक के कई पॉपुलर एल्बम्स निकाले जा चुके हैं। निकोलस जोनस, निक जोनस लास्ट ईयर वॉज, कॉम्प्लिकेटेड और स्पेस मैन निक के सोलो एल्बम्स हैं, जबकि इट्स अबाउट टाइम, जोनस ब्रदर्स, ए लिटिल बिट लॉन्गर, लाइन्स वाइन्स एंड ट्राइंग टाइम्स, हैप्पीनेस बिगिंस निक जोनस ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रिलीज किया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।